हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन दिस इज देवेंद्र हेडा और आज हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तीसरी वैकेंसी के ऊपर बात करने वाले हैं क्योंकि इससे पहले जबलपुर और इट दोनों के ऊपर रिक्रूटमेंट निकाली गई है जिसका मैंने आई कार्ड में लिंक दे दिया है मस्ट वॉच करें जिसमें जबलपुर की 160 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी और इसी के साथ में इट की 100 प्लस वैकेंसीज़ देखने को मिली थी और आज की इस वीडियो के अंदर आपको 82 वैकेंसीज के ऊपर हम बात करने वाले हैं इतनी पोस्ट आपके लिए अवेलेबल है ओनली फॉर आईटीआई होल्डर्स के लिए ठीक और इसी के साथ आई और डिप्लोमा की ऐसी ही वैकेंसीज़ के लिए सब्सक्राइब करके रख लें ठीक आइकन को ऑल पर सेट कर लें लाइक शेयर और जरूर करें जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बाडमल बोलंगिर ओडिशा में है छिहत्तर सत्तर सत्तर इसका पिनकोड है जहां पर हम बात करें इंगेजमेंट ऑफ टेन्यर बेस्ड आपका डी यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्क के ऊपर बात होने वाली है फुल एडवर्टीजमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपसे ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं ठीक और इसी के साथ में कैंडिडेट अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट ए ट्रेड जो कि आई होल्डर्स हैं ठीक इनके लिए रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है इसी के साथ में यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन्होंने एक्सपीरियंस ले रखा है या फिर ट्रेनिंग की है और या फिर एन से आईटीआई आई की हुई है वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं डिटेल पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे टेनियर बेस डी बी डब्ल्यू और बेसिक पे आपका उन्नीस हज़ार नौ सौ प्लस डी ए भी मिलेगा स्किल लेवल है और जनरल की थर्टी टू ओ बी सी की नॉन क्रिमिनल लेयर बीस एस सी की ग्यारह एस टी की पाँच ई डब्ल्यू एस की सात और एक सर्विस मैन की सात टोटल एट्टी टू पोस्ट आपकी यहाँ पर हो जाती है ठीक और इसी के साथ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्स अप्रेंटशिप ए सी पी ट्रेड या फिर आई टी आई की होना चाहिए एन सी वी टी या फिर ठीक है जिसमें एन एस सी या एन टी सी सर्टिफिकेट चलेगा ठीक और जिसने एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 18 से 35 साल तक दी गई है एज ऑन 1 जनवरी 2024 तक ये है आपके जनरल का क्राइटेरिया और इसी के साथ में एस सी के लिए पाँच साल का एज रिलेशन ओ के लिए तीन साल और एक्स सर्विस के लिए तीन साल मिलिट्री सर्विस के साथ में एप्लीकेशन फ़ीस नील है तीनों वैकेंसी के अंदर कोई भी फीस नहीं रखी गई है तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ऐसी बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलती है जिसमें कोई भी फ़ीस नहीं रखी जाती है इसी के साथ में हाउ टू अप्लाई कैसे करना है तो आपको क्या करना है प्रिंट करना है एप्लीकेशन फॉर्म वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप ये नोटिफिकेशन से अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आगे मैं बताऊंगा ब्लॉक लेटर में फुलफ़िल करना है और इसमें आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाडमल एप्लीकेशन इन्वाइट जो दिया गया है ये सब कुछ आपको फुलफिल करना है फॉर्म फिलअप करके आपको जिस एड्रेस पर भेजना है द ऑफिस इंचार्ज ऑफिसर इंचार्ज पर्सनल सेक्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बाडमल डिस्ट्रिक्ट ंगीर ओडिशा पिन कोड इस एड्रेस पे भेजना होगा और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नेसेसरी है आपका इनक्लोज एंड आपका एक्स्ट्रा फोटोग्राफ रखना है विद द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ रिटर्न करना होगा और फोटोग्राफ के पीछे लिखना है ठीक है तो इस तरीके से अटेस्टेड कर देंगे आप और कैंडिडेट को सबमिट करना होगा एज ऑन आपका जो तीस मार्च दो हज़ार चौबीस से पहले पहुंच जाना चाहिए नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्लोजिंग डेट यही दी गई है रिब्यूनरेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपसे सेंट्रल डी ए यानी कि डियरनेस अलाउंस मिलेगा हाउस रेंट मिलेगा यदि आप कॉलोनी क्वार्टर में नहीं रहते हैं इसी के साथ में आपका एनुअल इंक्रीमेंट तीन साल का लगेगा और मैं आपको बता दूं कि आपका जो रहने वाला है वो एक साल का रहेगा और देन उसके बाद में चार साल तक बढ़ाया जा सकता है तो परमानेंट कर दिया जाएगा ठीक है और इसके अलावा आपको जो यहाँ पर और भी अलावेंसेज देखने को मिल जाएगा ठीक और जॉब स्पेसिफिकेशन की अगर बात की जाए तो ये है आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव्स एंड एम्यशनस और जिसमें आपका मोड ऑफ सिलेक्शन बात करें तो सिर्फ आई आई के प्रैक्टिकल और जो आपके मार्क्स हैं इसमें रिटर्न टेस्ट में उसके ऊपर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो सिंपल यही सब कुछ रहने वाला है इसमें और इसी के साथ में आपका जो वेटेज रहेगा रिटर्न टेस्ट का एट्टी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट स्किल टेस्ट का रखा गया है मैं आपको बता दूं कि आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है क्योंकि इसी के द्वारा फर्दर आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा ठीक है और लास्ट जो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा एडमिट कार्ड जो है ये आपके बाय द पोस्ट एंड ई दोनों के द्वारा आपको भेज दिया जाएगा तो यही कुछ खास इन्फॉर्मेशन है बाकी सब जनरल बातें हैं तो आई होप कि आपको ये वैकेंसी पसंद आएगी और इसको ज़रूर अप्लाई करें और इसी के साथ में दो वैकेंसी और है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो कि जबलपुर और इटारसी से निकली है आपको मस अप्लाई करनी चाहिए आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत